Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very, very warm welcome to Masala Mornings, Talents Week, second day. उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे. बहुत ज़्यादा शुक्रिया कल का शगुफ्ता का शो पसंद करने का. मुझे इतना बेहतरीन फीडबैक मिला है और मुझे 100% उम्मीद है कि आज का भी मुझे वैसे ही फीडबैक मिलेगा. मैंने आप लोगों को अनुषा के बारे में बहुत कुछ बताती आ रही हूँ और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब अनुषा हमारे साथ है. और बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही खूबसूरत बच्ची, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह. और इस वक्त वो थोड़ी सी नर्वस है लेकिन मैंने कहा नो, आई एम विद यू, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. और ज़ाहरी बात है फर्स्ट टाइम फेसिंग द कैमरा. जब मैं भी आई थी आज से 12 साल पहले तो यही हाल था, समझ ही नहीं आ रहा था. लेकिन उस वक्त मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था. अनुषा के साथ उसकी खाला है. मैं सादिया को अपनी बेटी, अपनी बहन, सबको समझती हूँ. शी सच अ स्वीट हार्ट. तो वेलकम करते हैं आज अपने शो पे अनुषा को. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल बेटा? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. ऑल रेडी, ऑल सेट, ऑल प्रिपेयर्ड. मैंने कल फ़ोन करके काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी. मैंने बता दिया था कि आप ये रेडी करके लाना, बिकॉज डेढ़ घंटे के शो में बेकिंग प्लस डूइंग ऑल दैट शी हैज़ टू डू इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा डेमो आपको साथ दिया, अनुषा आपको इन चीज़ों का भी देंगी. ठीक है, तो आज आप क्या क्या बना रहे हो मेरी जान? लोटस कपकेक, स्ट्रॉबेरी शॉर्टब्रेड एंड अल्फाबेट केक. अल्फाबेट केक की बहुत फरमाइश थी तो मैंने अनुषा को कहा था आप केक बेक करके ले आना. थोड़ा सा आप यहाँ सामने डेमो दे देना चॉकलेट केक का. हम आपको कटिंग कौन सा एस कलर, अच्छा एस का हम केक बनाएंगे, लेटर बनाएंगे. ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. अनुषा ने ये कोर्स पूरा एक साल का कनाडा से टोरंटो से किया है. फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से बेकिंग का पूरा एक साल का कोर्स करके आई हैं. और यहाँ पे शी इज़ गॉट अ ब्यूटिफुल बेकरी एट हर होम, शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम. और इनका पेज है फेसबुक पे 28 degrees के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं 28 degrees के नाम से. और अभी भी ये बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें बना रही है. एवरी वीक, बल्कि एवरी सेकेंड डे आई सी अ ब्यूटिफुल न्यू डिश कमिंग अप. तो मैं भी यही पूछ रही थी अनुषा से कि अनुषा हाउ डू यू डू इट. शी सेड मैं खुद अपना ट्राई कर करके करती हूँ. और जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में जहाँ से इन्होंने कोर्स किया है पूरा साल का, मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा कैन आई गो एंड डू इट अनुषा? यू कैन एट दिस एज आल्सो? या, बट स्टेइंग देयर वन ईयर इज अ लॉन्ग टाइम. नो आंटी, आई हैड दिस मैन हु यूज्ड टू बी देयर, ही वाज लाइक इन हिज 50s, 50s, 60s. अच्छा, ही यूज्ड टू डू इट जस्ट फॉर फन. मुझे बेकरी वेकरी तो नहीं खोलनी, यू आर यंग, यू कैन डू इट माशाल्लाह. तो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर अगर कभी कनाडा जाना हुआ तो व्हाई नॉट, लेकिन एक साल के लिए. और स्क्रैच से आपको सिखाया है, स्पैचुला पकड़ने से, फ्रॉम बेसिक्स. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. तो आपके सामने आज माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज अ प्रोफेशनल शेफ इन पेस्ट्री, तो कितनी बड़ी बात है. चलेंगे बेटा किस चीज़ से स्टार्ट करें? लोटस कपकेक्स. ओके, ये मेरी फरमाइश थी, मैंने कहा प्लीज़ बेटा ये सिखा देना. आज आपके रेसिपी का नाम लिखा हुआ है बिस्किट स्प्रेड कपकेक्स, बट एक्चुअली इट्स लोटस. ठीक है, लोटस स्प्रेड कपकेक. आ जाओ मेरी जान, चल. जी बेटा, ये मुझे भी थोड़ा सा तंग करता है लेकिन खैर है, हम आपको खोल के देंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बाय मिक्सिंग द बटर एंड द क्रीम, बटर एंड द शुगर. ठीक है, तो हम बटर यूज़ करेंगे 57 grams. ठीक है, एंड शुगर है 100 grams. ठीक है, 57 इज़ अबाउट 2.5 ounce एंड शुगर इज़ 4 ounce. Okay.
100 grams fine sugar, that's 4 ounces. ये बटर और शुगर क्रीम होगा एंड देन इसके बाद एक एग ऐड करेंगे. ठीक है, बीट बटर एंड शुगर टिल क्रीमी, फिर एक अंडा जाएगा. जब ये एग मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा फ्लावर, 95 ग्राम फ्लावर एंड देन थोड़ा मिल्क. स्टार्ट विद फ्लावर एंड देन अगेन फ्लावर. And then milk. And then flour at the last. 4 ounce flour se 1 tablespoon kam kar dijiyega for 95 grams. Jab ye pura mix ho jaye uske baad aap mixer stop karke. No essence will go in this. Essence I already put in the egg. Achha, theek hai. Vanilla essence, theek hai. Vanilla essence ja chuka hai isme. Makhan aur chini ko achhi tarah beat kiya jab tak ki wo light and creamy ho gaya. Phir Anusha ne usme ek anda dal diya, anda dal ke mix kiya. Phir maida dala, maide ke baad doodh, phir maida, phir doodh start and end with maida. Theek hai. No baking powder in this beta? है बेकिंग पाउडर एंड मैदे में डाल दिया था. ठीक है, ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, ठीक है. इटालिया का बेकिंग पाउडर हमने यूज किया है. हम मिनी कपकेक्स बना रहे हैं तो हम हाफ टेबल स्पून या 1 teaspoon जितना बैटर डालेंगे इनके लाइनर्स में. वी आर मेकिंग मिनी कपकेक्स. अच्छा अच्छा, एक बात सुनो अनुषा जी, अगर किसी को लोटस स्प्रेड नहीं पसंद है तो है? अगर किसी को लोटस प्लेन वेनिला डाल ले. हाँ, तो वेनिला से बना सकते जी, हैं. ये वेनिला ही है इसका, पर हाँ, इसकी जो फ्रॉस्टिंग होगी उसमें बिस्किट स्प्रेड डालेगा. ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको चॉकलेट करना है तो 2 टेबलस्पून मैदा कम करके 2 टेबलस्पून कोको डाल दें. ठीक है, दिस इज द बेसिक कपकेक एंड इससे 12 मिनी कपकेक्स इस रेसिपी से आपको बनेंगे. अगर आपको रेगुलर साइज बनाने तो रेगुलर साइज 6 कपकेक. ठीक है, रेगुलर 6 बनेंगे बड़े मीडियम वाले कपकेक्स और ये मिनी है तो 12 बनेंगे. अनुषा, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक. ओके, ठीक है. इसको हम ओवन में डालते हैं. द बेकिंग टाइम क्या है मेरी जान? 10 मिनट्स. बस जी, मिनी कपकेक्स बेक फास्टर. ओके, ठीक है. इसको हम डाल रहे हैं 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन फॉर जस्ट 10 मिनट्स. लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक. कीप वॉचिंग टैलेंट्स वीक ओनली ऑन मसाला मॉर्निंग. जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स टैलेंट्स वीक. आज दूसरा दिन है हमारा और इतनी देखें यंग टैलेंट है हमारे कराची में
जिनका बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, तो ये शो का मकसद यही है कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ ताकि आप भी इनके पेज को जाके लाइक करो और इनको ऑर्डर्स दें फॉर स्पेशल ओकेजन्स। अभी परसों मुझे कहीं जाना था फ्राइडे के दिन, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने अनुषा को फ़ोन कॉल किया थर्सडे को। मैंने कहा बेटा मुझे स्ट्रॉबेरीज, चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरीज बना दो, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। इतनी बस मेरे से गलती हो गई, मैंने पिक्चर नहीं निकाली। Okay. इतनी खूबसूरत बच्ची ने मुझे दो डज़न स्ट्रॉबेरीज बना के भेजी थी। आपको कहीं अचानक से जाना हो जाए, शी इज़ जस्ट अ कॉल अवे, यू कैन कॉल हर वन डे बिफोर एंड गिव प्लेस ऑर्डर। और डिलीवरी भी करवा दिया था अनुषा ने, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा अब कपकेक्स चले गए अवन में, अब लोटस बटर क्रीम उसकी जो फ्रॉस्टिंग है वो बनेगी। अच्छा हम फ्रॉस्टिंग को हाफ रेसिपी से कर रहे हैं। आपके पास रेसिपी में 200 ग्राम मक्खन है, अनुषा इज़ मेकिंग हाफ क्वांटिटी विद 100 ग्राम बटर। ठीक है बेटा। अच्छा सॉल्टेड अनसॉल्टेड? ये अनसॉल्टेड है। अनसॉल्टेड, ठीक है। सो फर्स्ट गोज़ इन द बटर, आप पहले बटर डालेंगे। ये बेसिक वेनिला बटर क्रीम है, फिर उसमें अगर आप लोटस ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक बन रही है वेनिला, फिर इसी में आपको जो फ्लेवर करना, जो फ्लेवर ऐड करना, आप चॉकलेट ऐड करना चाहें तो चॉकलेट ऐड कर दीजिए, मेल्ट करके या क्या? मेल्ट करके। Okay. जी, मेल्टेड चॉकलेट। ठीक है, या फिर चॉकलेट स्प्रेड अगर कोई ऐड करना चाहें। ओके स्प्रेड। ओके ग्रेट, दैट मीन्स यू कैन ऐड न्यूटेला ऑल्सो। जी नोट करिए, ये मुझे भी तंग करता है। बटर आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए। आइसिंग शुगर छान के इस्तेमाल करें। ये सिफ्टेड है आइसिंग शुगर, इसमें फिर आप टेबल स्पून बाई टेबल स्पून डालते जाएँ। इसमें रेसिपी में 400 ग्राम्स लिखा है, बट मैं 200 ग्राम्स यूज़ करूँगी। एंड कभी कभार यूज आपको और चाहिए होता है देखने के लिए कि आपकी कितनी कंसिस्टेंसी, आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी श्रीया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे थोड़ी सी आप अगर ऑन एयर अभी डिटेल बता दीजिए, ये जो आपका कोरमा मसाला आपने बनाया हुआ है ना, जी जी, उसमें मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि 1 kg मीट में उसकी कितनी प्रोपोर्शनल बनती है, और उसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर ऑन एयर जल्दी से अगर आप बता सकें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि मुझे मुँह ज़बानी रेसिपी याद नहीं है। आप जाइए मेरे पेज पे मसाला मॉर्निंग्स के या इवनिंग विद शिरीन के, वहाँ से आपको तमाम मसालों की रेसिपी मिल जाएगी। और एक चिकन के कोरमे की रेसिपी के लिए यू नीड टू पुट 4 tablespoons ऑफ द प्रिपेयर्ड मसाला। ओके ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मुझे याद नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 teaspoon वेनिला एसेंस, ये लगा हुआ नहीं है बेटा, सही। सही है जी, बस हो गया। आप आपको रोक के वो करना है? नहीं बस बस एक और दफा। अच्छा ओके, थ्री बार। ये हमारा वेनिला बटर क्रीम हो गया, इसमें अगर आपको लोटस स्प्रेड डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ 95 ग्राम्स है, बट मैं 50 ग्राम्स डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, दैट्स अबाउट 4 tablespoons। जी, और अनुषा ने इसको हल्का सा माइक्रो कर लिया था, बिकॉज़ वो बहुत गाढ़ा होता है ना, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा माइक्रो कर लिया ताकि वो हल्का सा मेल्ट हो जाए।
Wow. I want to thank Anusha from the bottom of my heart कि ये बच्ची जो अपनी चीज़ें ऑर्डर्स पे बनाती हैं and she's teaching it live on the show. But Anusha ये सदकाए जारिया है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत दुआएं मिलेंगी और आप बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगी बेटा. बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी रेसिपी शेयर कर रहे हो. कपकेक्स हो गए. मैं निकालती हूँ, आप करो बेटा, मैं निकाल दूँ. थैंक यू. ये बटर क्रीम रेडी हो गया, लोटस बटर क्रीम. अब कपकेक्स थोड़े वार्म है तो जब ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको फ्रॉस्ट करेंगे लोटस बटर क्रीम के साथ. ठीक है. फ्रॉस्ट करके उसके ऊपर ये बिस्किट क्रम्स हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे. ओके. यही वाला लोटस के जो बिस्किट्स आते हैं बिस्कॉफ के नाम से इसको. हाँ, लोटस बिस्किट. इसको आपने क्रश किया? जी, क्रश कर. क्रश कर लिया और उसको फिर ऊपर डेकोरेशन के लिए डालेंगे. ठीक है. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद व्हाट नेक्स्ट इज द स्ट्रॉबेरी शॉर्टब्रेड. अच्छा, शॉर्टब्रेड के लिए हम पहले वेनिला कस्टर्ड बनाएंगे इसका. ठीक है. एंड देन आई डेमो शॉर्टब्रेड डो. ठीक है. And then we'll do the whipping cream. ठीक है. देखें, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट ब्रेड के लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर मीठा है, वन ऑफ माई फेवरेट मीठा. तो इसको हम क्या करेंगे कि चूँकि इसको ठंडा होना चाहिए, शॉर्ट ब्रेड की लेयर्स बनती हैं. ठीक है, 3-4. अब मैंने अनुषा को कल कहा कि आप बेक करके ले आना, टाइम भी बच जाएगा, लेकिन आपको कैसा सिखाएंगे. तो थोड़ा सा डो आपके साथ, आई गोइंग टू नीड इट. आटा, उसका मैदा गून के, डो का शॉर्ट क्रस्ट का गून के, और फिर अनुषा उसका बेलेंगी, बेल के आपको बेक करना बता देंगी. तो उस तरह के आपको फोर बनाने जी. 4 शॉर्ट ब्रेड के डो बनेंगे, लेयर्स बनेंगी. ठीक है. तो ब्रेक है, ब्रेक आ चुकी है. तो हम यहाँ से इसको सबको हटाते हैं, क्लियर करते हैं और फिर वापस आएंगे. आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग. जाके स्टार्ट करेंगी अनुषा हाउ टू मेक द शॉर्ट क्रस्ट डो. ठीक है, स्टे विद अस. जी जनाब, वेलकम बैक. देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अनुषा आमिर मेरे साथ हैं और सेकंड रेसिपी पे हम आ गए हैं, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट ब्रेड. ठीक है, इसके लिए अब हम पहले कस्टर्ड बना रहे हैं ताकि कस्टर्ड ठंडा हो जाए. अनुषा ने 2 कप दूध लिया है और उसमें शुगर डाल दी है, 4 टेबल स्पून शुगर. और ये ज़बरदस्त से बर्तन जो हम यूज़ कर रहे हैं ये शेफ़ कुकवेयर के हैं. जस्ट सी द ब्यूटिफुल कलर. शुगर और दूध डाल दिया है और अब जैसे ही इसमें एक थोड़ा सा बॉईल आएगा तो इसमें कस्टर्ड पाउडर चला जाएगा. वेनिला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून को थोड़े से ठंडे दूध में मिक्स कर दिया. जब शुगर मेल्ट हो जाए देन आप कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर दीजिएगा ताकि बना लो. ठीक है, बिल्कुल बना लो बेटा, मैं इसको देखती हूँ, आप डो बना लो. अब हम शॉर्ट ब्रेड का डो बनाएंगे. मैं सिर्फ आपको डेमो कर रही हूँ. तो मैं हाफ रेसिपी बनाऊंगी बट फुल रेसिपी में 450 ग्राम्स बटर है, ये मेरे पास 225 ग्राम्स है. ठीक है, आपको जो घर पे बनाएंगे वो 450 ग्राम्स बटर लेना है बिकॉज इसकी 4 लेयर्स बनती हैं. अच्छा, अब हम चूँकि आपको सिर्फ दिखा रहे हैं तो हाफ रेसिपी कर रहे हैं, 225 ग्राम्स. ठीक है बेटा. इसमें पहले जाएगा बटर
आप मेक श्योर करिएगा कि आपका बटर थोड़ा कोल्ड हो ताकि शॉर्ट ब्रेड का क्रस्ट थोड़ा फर्म रहेगा. अगर बहुत सॉफ्ट बटर होगा तो फिर वो आपको रोल करने में मुश्किल होगा. ठीक है, तो इसमें 225 ग्राम्स बटर है, 75 ग्राम्स आइसिंग शुगर का ही है. I'll do it. I'll do it. ये जब बटर एंड शुगर फुली मिक्स हो जाएगा, ये शुगर मेल्ट हो गई. हाँ, ओके. इसकी शुगर मेल्ट हो गई, सो वी ऐड द कस्टर्ड पाउडर एंड मिल्क का मिक्सचर जो है. ये लो बेटा. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. शीनापा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान. मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. और आपका वीक भी बहुत अच्छा जा रहा है. जज़ाकअल्लाह. और सारी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं. बहुत शुक्रिया. और जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छा सिखा रही हैं. बिल्कुल. और यूनिक रेसिपी सिखा रही हैं. बहुत शुक्रिया जी. बहुत. मुझे आपसे फरमाइश करनी थी. जी बोलिए. एक तो मुझे शॉर्ट ब्रेड बिस्किट नहीं होते वो सिखा दें, और एक उस्मानिया जो वो होते हैं कस्टर्ड बिस्किट. कौन से? उस्मानिया. उस्मानिया कस्टर्ड कुकीज़ होते हैं जो. उस्मानिया जी. ये क्या होते हैं? मैंने तो कभी सुना भी नहीं. ये कस्टर्ड कुकीज़ होते हैं, मैंने कहीं खाए हुए हैं तो बहुत मज़े के होते हैं. नहीं तो उस्मानिया क्या नाम है? उसका नाम है कुकीज़ का नाम. अच्छा ठीक है. कस्टर्ड कुकीज़ जो. ओके ओके थैंक यू. ये कस्टर्ड आप बिल्कुल लो हीट पे पकाएंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल थिक नहीं चाहिए. एंड इस डो से आप शॉर्ट ब्रेड बिस्किट, प्लेन बिस्किट्स भी बना सकते हैं. आपको मिल गया जवाब. अभी मैं कहने वाली थी लेकिन अनुषा ने खुद बता दिया कि यही रेसिपी जो बन रही है इसी से आप कुकीज़ बना लो. डो तैयार हो जाएगा, इसको थोड़ी सी देर ठंडा करने रख दें, चिल करने रख दें, फिर आप इसको बेलें, कोई भी शेप के कटर से काटें एंड जस्ट बेक इट. एंड इसमें फिर आप मैदा ऐड करेंगे जब भी आपका शुगर एंड बटर फुली क्रीम हो. 225 ग्राम बटर लिया, उसमें 3 ounces या 75 ग्राम आइसिंग शुगर डाली. जब ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो इसमें आपका मैदा जा रहा है 255 ग्राम. ठीक है. ये कस्टर्ड को आप विस्क करते हैं ताकि इसमें लम्प्स नहीं हो. ठीक है. जब ये डो बन जाएगा आप इसको फोर में डिवाइड करेंगे. फोर बॉल्स इक्वल साइज. इक्वल साइज आप डिवाइड करेंगे एंड देन इधर आप बटर पेपर को राउंड में काट लें या फिर आप रिंग्स ले लें, केक रिंग्स जो होती हैं. या तो आप फ्लैट रोल करें इसको शॉर्ट ब्रेड के डो को एंड देन आप केक कटर से या केक रिंग से आप इसको काट लें. या फिर आप, अगर आपके लिए ये ईजियर तो आप इसके ऊपर डो का बॉल रख के एंड इसके ऊपर एक और बटर पेपर का सेम साइज़ का रिंग रख के इसको रोल कर लें. ठीक है. जो आपके लिए ईजियर है. और अगर आप कुकीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसको फ्लैट रोल कर लें जितनी थिकनेस आपको चाहिए एंड आप उसको कुकी कटर से या जिस शेप में आपको काटना है आप उससे काट के बेक कर लें.
ये कस्टर्ड की थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि स्टिक हो रहा हो और थोड़ा सा ड्रिप हो रहा हो, जैसे एक दो ड्रॉप जितना ड्रिप हो, तो ये रेडी है कस्टर्ड। बंद कर दूं बेटा? ओके। अच्छा, आपने अनुषा इसमें मिल्क, पानी कुछ नहीं डाला? अंडा? नथिंग, जस्ट बटर, आइसिंग शुगर एंड फ्लावर। ठीक है। एंड ये शॉर्ट ब्रेड का डो भी रेडी है। ठीक है। बिल्कुल भी इसमें एक ड्रॉप पानी नहीं गया है, ना दूध गया है, ना अंडा गया है। आप मैं तो अभी अप्रॉक्सीमेटली डो ले रही हूँ, आप इसको हाफ रेसिपी जितना फोर बॉल्स में डिवाइड करेंगे इस डो को, एंड जैसे इस तरह बॉल्स बना लेंगे। ठीक है। जब आप पूरा, आपको पूरा पूरा डो बनाना है, पूरी इससे इंग्रेडिएंट से 450 ग्राम मक्खन होगा, नियरली हाफ के जी, आइसिंग शुगर होगी 150 ग्राम्स, दैट्स 6 ounces, और मैदा है 510 ग्राम, ये सब के साथ तो चार लेयर बनेंगी आपकी। ठीक है बेटा, आ जाओ। इसके बाद हम इसको रोल करेंगे। आप घर पे थोड़ी देर इस डो को चिल कर लेंगे और चिल करके फिर इसको बेक करेगा। अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको यहीं डेमो करके दूंगी। ठीक है, इसको लाजमी है आपको चिल करना फॉर अबाउट हाफ एन आवर। जी, 1 hour to 2 hours एट लीस्ट। अच्छा, ओके, यू हैव टू चिल इट फॉर एट लीस्ट 1 hour, एंड फिर इसको आप राउंड शेप में कर लें। आपको अगर स्क्वायर शेप सही लगता है तो आप स्क्वायर शेप में कर लें, एंड इसको बिल्कुल पतला होना चाहिए, लाइक ताकि ये क्रिस्प हो थोड़ा सा। देखें, आप लोग को आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ, ये अनुषा ने बेक करके ले आई हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दीज आर ऑल सेट रेडी बेक्ड। तो इस तरह आपको चार लेयर्स बनेगी शॉर्ट ब्रेड। पतला बेलना है आपको ताकि बेक होने के बाद ये अच्छी क्रिस्पी हो। इसकी साइड्स अगर आपको बिल्कुल नीट चाहिए तो आप कटर यूज कर लें, या फिर केक रिंग यूज करके इसको इसके ऊपर रख दें तो उसकी साइड बिल्कुल नीट हो जाएंगी। मेरे पास इलाज है, चाहिए? नहीं चाहिए। एक मिनट दो बेटा। ठीक है, अब हम इसको बेक करने रख देंगे। ठीक है, ये 10 minutes इसको ओवन में रखना है, तब जब तक इसकी साइड्स ब्राउन हो जाएं, हल्की सी ब्राउन हो जाए बस, एंड इसका सेंटर फिर जब ये कूल हो रहा होगा तो ये खुद ही क्रिस्प हो जाएगा। अच्छा, यू विल बेक इट विद द पेपर? जी। रियली? या, I didn't know that. Is that it can go in the oven. Oh, wow. अच्छा, ठीक है, बटर पेपर के साथ ही ओवन में जा रहा है। On 180 degrees, जान? जी, 180 degrees for just 10 minutes. ठीक है, हल्का सा ब्राउन हो जाए, साइड्स इसकी आप निकाल दीजिए। ओके जी, ब्रेक आ चुकी है, ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जनाब, वेलकम बैक।
ओके जी, हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, अब हम आ रहे हैं इसकी क्रीम के लिए, ठीक है, वेनिला क्रीम के लिए। इसका कस्टर्ड सर्विंग के लिए है और वेनिला क्रीम से अंदर लेयर्स देंगे। विपी विप की क्रीम इसमें हम यूज़ करेंगे 4 टेबलस्पून जो आपने कस्टर्ड बनाया है वो ये डाल दिया है। इसमें आप विपी विप क्रीम यूज़ करेंगे 2 कप्स। ठीक है, चिल्ड है विपी विप क्रीम और ये जाएगी कस्टर्ड, ये वाला डाल दिया है 4 टेबलस्पून इस कस्टर्ड में से। ये मशीन इसको पता है बेटा अनुषा, थोड़ा सा ऊपर करके। अच्छा, इसको विप करेंगे हम बिल्कुल स्टिफ पीस तक, बिल्कुल स्टिफ होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत सुपर डुपर जा रहा है। जज़ाकअल्लाह जी, इन बच्चियों का कमाल है और क्या कहते हैं, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। और मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको डोनट की फरमाइश करी थी, फिल डोनट का। जी, मैंने एक पूरा शो दिया है डोनट्स का, इंशाल्लाह रमजान से पहले आप सीख लेंगी। और एक दूसरी रिक्वेस्ट भी है आपसे। बोलिए बोलिए। वो बारबेक्यू नाइट की जो चटनी होती है ना, हाँ, वो जरा बता दीजिए। इमली वाली? जी जी, इमली वाली, अच्छी रेड वाली। ओके ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। अनुषा, उस पर एक नज़र मार लो बेटा। जी, वो हुई नहीं है अभी तक। हाँ, वो हुई नहीं है। ओके, शुड वी मेक दिस शुगर? जी, कैरमल कर लेते हैं जब तक ये और ये हो रहा है। अच्छा, इसकी जो टॉपिंग आती है, आप देखेंगे असेंबलिंग, इसकी जो एक फाइनल लेयर होती है शॉर्ट ब्रेड की सर्व करने के लिए, वो है कैरमल की। ठीक है, तो ये कैरमल बन रहा है। शुगर टाइम। बख्तियार, चीनी 1/2 कप, शुगर, इसको शुगर को मेल्ट करना है जब तक ये बिल्कुल ब्राउनिश कैरमल कलर आ जाए इसका। जी, हो गई। निकाल लूँ बेटा? जी। ओके, ज़्यादा वेट हो गया। मैं हैरान हूँ, बटर पेपर कैन गो इन द ओवन, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू।
Great. ऐसे आप चार बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास चार रेडी हैं और इसको आपको ठंडा करना है। जब तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसमें क्रीम की लेयर्स जाएंगी, स्ट्रॉबेरीज जाएंगी। यू कैन मेक इट विद एनी सीजनल फ्रूट। मैंगो से भी बहुत अच्छा बनेगा, पीचेस से भी बहुत अच्छा बनेगा। कि आपका जब कैरमल जब रेडी होगा, इसके बाद आप कोई भी स्टील का प्लेट या किसी चीज़ के केक के पैन के पीछे आप इसकी सर्कल कैरमल के बना के उसको फ्रिज में रख दो ठंडा होने के लिए। एंड देन आप जब ये ठंडा हो जाए, तब आप इसके बाद इसको स्लाइड कर सकते हैं ताकि वो केक के ऊपर आ जाए बिल्कुल फिनिशिंग लेयर पर, ग्रीस पैन पर। ये बिल्कुल स्टिफ पीक्स होंगे। विपी विप क्रीम आपको बिल्कुल बीट करना है स्टिफ। इसके बाद ये जो आपका कैरमल बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी पे आ जाए, तो आप इसको किसी भी शेप या डिज़ाइन बना के इसको बस ड्रिजल कर देगा। And this goes in the fridge. ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर ये आसानी से स्लाइड हो जाएगा। आ गया समझ? इसको करके and then put it in the fridge जब तक ये सेट हो जाए। जब वो सेट हो जाएगा तो आप आराम से उसको स्लाइड आउट कर लेंगे। इसकी टॉपिंग है ये। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, आके इसको कंप्लीट करके फिर हमारे नंबर केक पे आएंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। लोटस कप केक्स, ये देख लीजिए, मिनी लोटस कप केक। दो हमने बचा लिए जो फ्रॉस्टिंग बनाई थी पाइपिंग बैग में। अब हम पाइप कर रहे हैं इसको। आप किसी भी तरह की पाइपिंग टिप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए। एंड इसके ऊपर क्रश लोटस बिस्किट से टॉप कर रहे हैं इसको। ज़बरदस्त, ये रेडी है। अब हमारा क्रीम विप हो गया है, बंद कर दूँ? जी। क्रीम को हम पाइपिंग बैग में भर रहे हैं।
बेटा वो कौन सा नॉजल का नंबर था बता दो इन लोग को। स्टार टिप है। स्टार टिप। स्टार टिप है। और ये वाला? ये वाला भी स्टार टिप है पर इसकी डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, आप इसके लिए कोई भी टिप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टिप कर सकते हैं, टिप भी नहीं है, आप स्पून से लेके इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखें, ये इसको कंप्लीट कर रहे हैं शॉर्ट ब्रेड को। कॉर्नर एज पे आपको करना है, पूरे शॉर्ट ब्रेड पे, मिडिल में भी एंड कॉर्नर पे भी। ये क्रीम डाल के फिर हम इसको इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज डाल रहे हैं। आप एटलीस्ट 15 टू 20 स्ट्रॉबेरीज आप स्लाइस करके इसको बिल्कुल थिनली स्लाइस करिएगा। भरूं इसमें? जी। एंड ज़रूरी नहीं आप स्ट्रॉबेरीज यूज़ करें, आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे शॉर्ट ब्रेड की लेयर ऐड करिएगा बहुत आराम से उठा के। ये बहुत थिन होती हैं तो ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं। एंड इसके ऊपर भी यही स्टेप्स रिपीट करिएगा, क्रीम एंड देन स्ट्रॉबेरी। आप कम क्रीम डालना चाहें तो आप कम क्रीम भी डाल सकते हैं, कोई लोग कम क्रीम प्रेफर करते हैं। थर्ड लेयर, हमारा अल्फाबेट केक जल्दी हो जाएगा बिकॉज वो बेक्ड है और स्विस रोल की ट्रे में आपको ये केक बेक करना है। पतला होना चाहिए, अगर डबल मोटा करना है तो मुझे अनुषा ने कहा आप मोटा भी बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पाउंड्स का केक चाहिए तो आप डबल रेसिपी कर लेगा। बहुत नीटनेस है अनुषा आपके काम में, माशाल्लाह। ठीक है। एंड देन लास्ट लेयर आप डालेंगे। ठीक है, हमारे दो हो गए हैं पूरे, बस इसका ऊपर टॉपिंग आपको दिखानी है एंड दैट्स इट, वी आर डन विद इट। बस ये कंप्लीट हो जाए, दो मिनट।
इसके ऊपर भी आप स्ट्रॉबेरीज लास्ट लेयर के ऊपर टॉप करेंगे। ब्यूटिफुल ना, जबरदस्त। If you want to make it with two fruit, kiwi and strawberry, you can do that also. Okay. That would make a nice combo. Yeah. Your parents must be so proud of you, Anusha. अब लास्टली हम इसके ऊपर कैरमल, इसका जो बना हुआ है हमने प्रिपेयर करा था कैरमल, ये इसके ऊपर डालेंगे। होपफुली ये स्लाइड हो जाए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, दिस इज डन। समझ आ गया, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट ब्रेड, दिस इज डन। ठीक है, इसके बाद अल्फाबेट केक। हाँ, इसके बाद अल्फाबेट केक कर रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आते हैं और आके फौरन केक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टे विद अस। जी जनाब, किससे कट हो सकता है बेटा? पेपर से, पेपर से या फिर इसके पैंस भी मिलते हैं। जी वेलकम बैक जी। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू आवर अल्फाबेट केक। इसमें आपके पास केक की रेसिपी दी हुई है, चॉकलेट केक जिस तरह बनाया है, आप कोई सा भी चॉकलेट केक बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अनुषा की रेसिपी इसमें दी हुई है। और उसके बाद में आपको इसको बेक करना है। ये दो अंडे का केक है ये वाला, तो अनुषा ने चार अंडे का बनाया है, दो का इसमें और दो का दूसरे पैन में, वो काट लिया है। और फिर ये एस का इन्होंने ख़ुद बनाया है, एस शेप दे दीजिए, जो भी शेप चाहिए आपको आप दे के, और आपने उसको केक के ऊपर रख के और तेज़ नाइफ से उसको काटना है। ये देखें, ठीक है, what do you do with the leftovers, make it into crumbs? Yeah, make crumbs or make like a brownie trifle. Okay. और आप इसको आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मुझे दे दो, मैं इधर रख रही हूँ, सब भूलना नहीं जी। अब हम इसको असेंबल करेंगे। इसके ऊपर भी आप विपी विप क्रीम से पाइप कर सकते हैं, या अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप इसमें मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर दें। ये सिंपल प्लेन नोजल है, प्लेन नोजल, या आपको अगर वो वाला नोजल, स्टार वाला नोजल चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये जो अनुषा ने बनाया था कस्टर्ड, इसको आपको इसके साथ सर्व करना है, शॉर्ट ब्रेड के साथ, तो अलग रखा है ताकि आप उसकी स्लाइस काटें एंड सर्व इट विद अ कस्टर्ड। दूसरा एस लाऊं बेटा? इसके ऊपर भी अगर आप स्ट्रॉबेरी डालना चाहें लेयर्स के बीच में तो आप डाल सकते हैं, या कोई भी फ्रूट। ठीक है, या अगर चॉकलेट गनाश डालनी है, या अगर आपको डिफरेंट फ्लेवर करना है, या जैम डालना है, या लेमन कर्ड, या क्या कह रहे हो साले? इसके अंदर आपको कोई अभी तो फिलिंग नहीं चाहिए ना? नहीं। अच्छा, जब तक अनुषा इसको फिल कर रही हैं, ये तो देख लिया ना आपने, फिर ये फिल करने के बाद ये केक इसके ऊपर जाएगा। और इस केक को भी आप इसी तरह करोगे? जी, इसको भी हम इसी तरह करके रखते हैं। फाइनल जो इसका टच है, देखने वाला, खूबसूरती की इंतहा, वो हम ब्रेक के बाद आके करेंगे। और ये वक्त आ चुका है, कौन सी ब्रेक है? ये रीकैप ब्रेक है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आज का शो आप
प्लीज़ शाम 6:30 बजे ज़रूर रिपीट में देखिएगा। रात में 2 बजे भी रिपीट होता है, कल सुबह 7:30 से 9 भी रिपीट होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। अल्फ़ाबेट केक, अज्जा मैदा 1.5 कप, चीनी 1.5 कप, कोको पाउडर 96 ग्राम, बटर मिल्क 96 मिलीलीटर, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच, मक्खन 1/4 कप, नमक 1/2 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, कॉफ़ी 1/2 कप। तरकीब, अवन को पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर बेकिंग ट्रे को मक्खन से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दें, उसके बाद बोल में तमाम अज्जा डालकर फेंट लें। अब इसे तैयार किए बेकिंग ट्रे में शामिल करके फैला दें और गर्म अवन में 20 मिनट बेक कर लें। बिस्किट स्प्रेड कपकेक्स, कपकेक्स के अज्जा, मैदा 95 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, मक्खन 57 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, दूध 60 मिलीलीटर। बिस्किट बटर क्रीम के लिए मक्खन 200 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पिसी चीनी 400 ग्राम, लीमू का रस 1 चाय का चम्मच, बिस्किट स्प्रेड 95 ग्राम। तरकीब, कप केक्स के लिए अवन को पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर दरमियाने बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करें, उसके बाद मक्खन और चीनी फेंट लें। अब इसमें अंडा और वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें, फिर इसमें मैदे का 1/2 मिक्सचर और 1/2 दूध डालकर फोल्ड कर लें, उसके बाद बाकी मैदे का मिक्सचर और दूध शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इस बैटर को कप केक टिन्स में डालकर गर्म अवन में 15 से 18 मिनट तक बेक कर लें, फिर इन्हें निकाल के ठंडा करें। बिस्किट बटर क्रीम के लिए एक बोल में मक्खन शामिल करके इतनी देर फेंटें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिसी चीनी डालकर मिक्स कर लें, उसके बाद लीमू का रस, वनीला एसेंस और बिस्किट स्प्रेड शामिल करके अच्छी तरह फेंटें, आखिर में कप केक्स पर फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। स्ट्रॉबेरी शॉर्ट ब्रेड, डो बनाने के अज्जा, मक्खन 450 ग्राम, आइसिंग शुगर 150 ग्राम, मैदा 510 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चम्मच, वनीला कस्टर्ड के लिए क्रीम 4 खाने के चम्मचे, दूध 2 कप, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चम्मचे, वनीला क्रीम के अज्जा, व्हिपिंग क्रीम 2 कप, आइसिंग शुगर 1/2 कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चम्मचे, कैरमल बनाने के लिए चीनी 1/2 कप, बाकी अज्जा स्ट्रॉबेरीज हसबे ज़रूरत। तरकीब, डो बनाने के लिए अवन को पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंटें, उसके बाद मैदा और नमक छानकर मिक्सचर में शामिल करें और इतना मिक्स कर लें कि मिक्सचर डो की शक्ल में आ जाए, फिर डो के 4 हिस्से करके शॉर्ट ब्रेड तैयार करें और इसे गर्म अवन में 10 मिनट बेक कर लें। वनीला कस्टर्ड के लिए एक बोल में चीनी और 1.5 कप दूध मिक्स करें और इसे धीमी आंच पर इतनी देर पका लें कि चीनी हल हो जाए, उसके बाद बोल में कस्टर्ड पाउडर और बाकी 1/2 कप दूध साथ मिलाकर हल करें और इसे दूध और चीनी के मिक्सचर में डालकर मिक्स करें। अब इसे इतना पका लें कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। वनीला क्रीम के लिए एक बोल में क्रीम फेंट लें, फिर इसमें आइसिंग शुगर और तैयार किया हुआ कस्टर्ड शामिल करके मिक्स करें। कैरमल बनाने के लिए चीनी धीमी आंच पर हल कर लें। अब इसे सतह पर फैलाकर गोल शक्ल में तैयार करें। असम्बलिंग के लिए पहले शॉर्ट ब्रेड की लेयर रखें, उसके बाद वनीला व्हिप्ड क्रीम शामिल करके फैलाएं। अब इस पर स्ट्रॉबेरीज डालकर दूसरी शॉर्ट ब्रेड की लेयर रख दें, फिर इस अमल को दोहराएं, आखिर में तैयार की हुई कैरमल की लेयर देकर सर्व करें। Really, hats off to you, Anusha. I wish you all the success for your future also. June mein shaadi bhi hai Anusha ki. Iske bahut dua kare. Allah usko hamesha khush rakhe. Bahut pyari bachchi hai, mashallah. Fresh flowers. Aur ye dekhen, ye maine banwai thi aap logon ka khana. Strawberries. Decorated with dipped in chocolate and then decorated with chocolate. So ye iske saath aur fresh flowers or macarons or Ferrero Rocher chocolate and Raffaello chocolate. Mashallah, mashallah, mashallah.
अच्छा, चॉकलेट केक की रेसिपी है और कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें एक साथ प्याले में जाएंगी। 1.5 कप मैदा, चीनी 1.5 कप, कोको पाउडर 96 ग्राम्स, दैट्स नियरली 1/2 कप, बटर मिल्क 1/2 कप 96 ml, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, 2 अंडे, कॉफ़ी 1/2 कप, गर्म पानी में डिजॉल्व करके सबको एक साथ प्याले में डाला और बीट किया फॉर 2-3 मिनट्स, और फिर बड़ी स्विस रोल की जैसा आपको दिखाई थी स्विस रोल की पैन में डाल के बेक किया। अच्छा, अनुषे ने इसके लिए 4 अंडे का बेक किया, आपके पास 2 अंडे हैं, आप डबल कर सकते हैं, आप डबल करिएगा इसको अगर आपको डबल लेयर चाहिए केक, अगर पतला बनाना है तो फिर 2 अंडे का ही होगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, अब दुल्हन तैयार हो चुकी है, बस टाइम खत्म हो रहा है। ब्यूटिफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ एस योर लेटर। ये बटरफ्लाई क्यों छोड़ दी आंटी, अब जगह नहीं। अच्छा ठीक है, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। स्प्रे, गोल्डन एडिबल स्प्रे, ओके माशाल्लाह, आ जाओ प्लीज़। आप लोग अनुषा का पेज लाइक करें इंस्टाग्राम पे, 28 degrees, एंड इवन ऑन फेसबुक, एंड स्टार्ट ऑर्डरिंग हर फॉर स्पेशल ओकेजन्स, फॉर डेली ओकेजन्स, फॉर ईद, सब कुछ अल्लाह खुशियों में सबको ये सब खाना नसीब करे, और अल्लाह बस ये हालात सही हो जाएँ, सब कुछ नॉर्मल लाइफ हो जाए इंशाल्लाह। तो यू कैन प्लीज़ कॉल हर, एंड उनका नंबर भी है उधर इंस्टाग्राम पे और उस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुषा, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, कि मतलब बहुत बड़ा ये इन्होंने काम किया है कि अपना जो अपनी केटरिंग की अपनी ज़ाती रेसिपीज इन्होंने ऑन एयर सिखाई है। थैंक यू सो मच बेटा, आपको कुछ बोलना है, एनी मैसेज फॉर एनीबॉडी? नो थैंक यू, नथिंग फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर fiancé, always like thank you to them, okay theek hai ji, aur acha ye anushe, this is a small token of love from masala teeny, thank you so you much, you can take this with thank you, thank you so much, theek hai ji, inshallah taala aapse mulaqat karenge kal with Kiran, she is going to teach us amazing iftar snacks, ramzan ki taiyari, ठीक है जी। और आज दावत में बन रहा है देसी चाउमीन और पाव भाजी, इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं, ज़िंदगी बखैर, वंस अगेन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, आई नीड योर हैंड, थैंक यू बेटा, ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।